ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं वो विलन को, वन ऑफ द विलन, बहुत सारे विलन हैं उसमें, एक विलन को ढूंढने, उसको मारना था मुझे, और उसको मारने के लिए मैं उसको ढूंढ रहा था। तो वो मेरा कैरेक्टर था कि पता चलता है कि वहाँ वो गाना सुनने आता है, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। रवि जी, शायद पहली बार हो रहा है कि भोजपुरी और साथ ही साथ गुजराती में एक साथ में मना रहे हैं, दोनों में आप लीड हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि पहली बार मैं तमिल कर लिया, तेलुगू कर लिया, कन्नड़ा कर लिया, मराठी कर लिया था, गुजराती बची थी, तो इस फिल्म से हमारी गुजराती शुरुआत भी हो जाएगी। हाँ, बहुत यशपाल भाई हैं, यशपाल शर्मा है इसमें, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया, बहुत मेहनत की, और इसीलिए ये नाम हम ही ने सुझाया कि ये फिल्म का नाम हमीर होना चाहिए। और वो आज वो यशपाल भाई भी बहुत शॉक्ड हो गए कि कोई हीरो ऐसा सोचता नहीं, लेकिन मैं बोला नहीं, फिल्म की बेहतरी के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग नाम हमको चाहिए था, हमीर हमको करेक्ट नाम लगा। बहुत अच्छा, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत गंभीर हैं। सी डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, खाली भाषा अलग होती है, वो बहुत ही सुलझे हुए हैं और सिनेमा को पढ़ते हैं, सिनेमा को जानते हैं। उनके साथ मैं मुझे बहुत कुछ सीखने मिला कि कितने ऑनेस्टी के साथ एक आदमी सिनेमा बना सकता। रवि जी, जो फिल्म है हमीर, कब तक ऑडियंस के बीच आएगी और वर्जन्स मिलेगी? 13 जनवरी को ये सौराष्ट्र, पूरे गुजरात में लगेगी। होली पर ही हम लोग बिहार, यूपी, बम्बई और सब जगह लगाए। बिंदास भोजपुरिया के दर्शकों ये कि बाबू मजा लूटा, बहुत मजा बा, और ये बिंदास भोजपुरिया नायका चैनल बा, अरे महादेव जिंदगी झंड, फिर भी भैया घमंड, एकदम चपले रहा।